सलमान खान को उनके कार में ही मारने की साजिश रची जा रही थी। उनकी बुलेट प्रूफ कार में कैसे गोली दागी जाए, इसके लिए पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे थे हथियार। नवी मुंबई पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो सलमान खान को मारने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के नाम हैं, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वसीम खान उर्फ वसीम चिकना और रिजवान खान के नाम पर हुई है। इसके अलावा इनके साथ धनंजय और गौरव भाटिया नाम के भी 2 शख्स को नवी मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सलमान खान के बंगले की जाकर रेकी की थी। आपको बता दें कि मुंबई के पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है और वहां जाकर इन्होंने रेकी की थी और ये प्लानिंग की थी कि जब सलमान खान अपनी कार से वहां जा रहे होंगे तभी उनके कार पर धावा बोला जाएगा चारों तरफ से, और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से ऐसे हथियार मंगवा रहे थे जिससे उनकी बुलेट प्रूफ कार को भी छलनी किया जा सके और सलमान को मार सके। ये तमाम खुलासे मुंबई पुलिस ने किए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक कि सलमान को एक तरफ नहीं बल्कि 2-2 तरफ से मारने की प्लानिंग चल रही थी। कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी, लेकिन वो फायरिंग देखकर सबने ये समझा था कि ये फायरिंग सिर्फ सलमान और उनके घर वालों को डराने के लिए है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सलमान खान को उनकी कार में मारने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आया है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले सलमान खान के घर के पास से 2 लोग अरेस्ट किए गए थे। ये लोग उनके घर के आसपास घूम रहे थे, तब नवी मुंबई पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था। इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो 4 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इन गिरफ्तारियों से इन तमाम बातों का खुलासा हुआ है। आपको ये बता दें कि पहले जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि सलमान खान को जो है सलमान खान के घर की रेकी की गई थी, सलमान खान पर AK-47 समेत कई और हथियारों से जो है फायरिंग करने की प्लानिंग थी और पुलिस ने जब इन आरोपियों के वीडियोस देखे तो उनको ऐसे वीडियोस मिले कि बुलेट प्रूफ कार को कैसे छलनी किया जाए, इस तरह के जो है वीडियोस आरोपियों के फ़ोन से मिले हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि अजय कश्यप का पाकिस्तान में डोगा नाम के एक व्यक्ति से संपर्क था जो M16, AK-47 और AK-92 खरीदने के लिए काम करता था। नवी मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बात बताई है कि सलमान खान की कार को छलनी करने के लिए पाकिस्तान से सप्लायर के जरिए हथियार मंगवाने की बात चल रही थी। मामले में अब तक पुलिस जो है लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और संपत नेहरा समेत 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि साल 1999 में जब सलमान खान हम साथ साथ है की शूटिंग जोधपुर में कर रहे थे तो उसी समय एक रात वो अपने जो तमाम दोस्त थे जो फिल्म की शूटिंग उनके साथ कर रहे थे जैसे सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और सैफ अली खान के साथ वो जोधपुर में चले गए थे जंगल में शिकार करने और वहाँ उन्होंने फायरिंग करके एक चिंकारा को मार डाला था और कहा जाता है कि बाद में सलमान ने खुद उस चिंकारा का गला काटा था और उसके बाद उसकी मांस को जो है इन लोगों ने खाया था। ये बात जब बिश्नोई समाज को पता चली तो तमाम लोग जो है शूटिंग स्पॉट पर पहुँच गए थे। उसके बाद पुलिस आई, सलमान के खिलाफ केस दर्ज हुआ, रात भर उनको पुलिस थाने में रखा गया। सलमान के साथ साथ उनके साथ जो तमाम लोग शिकार पर गए थे, हालांकि ये शिकार के दौरान उनके साथ थे, करिश्मा कपूर को छोड़ दे तो फिल्म के सभी कलाकार सलमान खान के साथ वहां शिकार पर मौजूद थे, लेकिन गोली सलमान खान ने चलाई थी और चिंकारा का गला भी उन्होंने ही काटा था। ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और सलमान खान इस मामले में उनको 5 साल की जेल भी जोधपुर हाई कोर्ट ने सुनाई दी थी, लेकिन इस मामले में सलमान खान कुछ दिनों तक पहले ही जेल में रह चुके हैं और जब तक किसी आरोपी को 5 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती वो जेल में नहीं जाते, तो ये अपने आप में एक सलमान के लिए बहुत बड़ा सबक रहा। सलमान खान भले ही बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहे, बिश्नोई समाज ने उनको अब तक माफ़ नहीं किया है। अभी भी कहा जा रहा है कि बिश्नोई समाज की तरफ से ये मांग है कि सलमान वहाँ जाएं और माफ़ी मांगे, लेकिन शायद अब तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उनकी जान के पीछे पड़ गया है, वो जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद सलमान पर हमला करने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करवा रहा है।